गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि डिलीवरी हो गई है एंड बेबी अभी हमें नहीं दिया है। सो बस हम सारे लोग दरवाजे के पास खड़े होके वेट कर रहे हैं कि जल्दी से बेबी मिले एंड हम सब लोग उसको कैसा लग रहे हो, आप बड़े पापा बन गए हो, अपनी फीलिंग जाहिर करना चाहोगे? उधर हाँ, ये पापा बन गए हैं, मम्मी एक बार फिर से दादी बन गई हैं। हाँ हाँ, अभी नए नए पापा बने हैं। वो पापा बने तो आप बड़ी मम्मी, हाँ पापा दादी और सीनियर बन गए। लड़का हुआ है, हाँ उनको उसको उड़ाने के लिए कपड़ा, लड़का छोटा सा सॉल ऑन हो दे दो ना, शॉर्ट है। सो यस गाइस, हमारे घर में एक छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा बेबी आ गया है एंड अभी नर्स कपड़े वगैरह ले रही थी कि बच्चे को पहनाने के लिए, उसके बाद फिर सब लोगों को दिखाएंगे। एंड हम सारे लोग देखो खड़े हुए हैं, पापा जी भी नीचे से आ गए हैं, डॉक्टर ये थी ना, इन्होंने डिलीवरी की है तो बस वो भी जा चुके हैं डिलीवरी करवा के। सारे लोग एक एक करके मिलो बेबी से। अभी तो ये लाइट की वजह से आंख ही नहीं खुल रही। चलो बाकी लोग भी देख ले। दादू दादी सोनी ना, मम्मी देखो आप बताओ पापा को कि आप कैसा फील कर रहे हो। हां सही है, सही क्वेश्चन किया आंटी आपने। आप बताओ पापा को कि कैसा फील। ये शुभम, ये बच्चों के हाथ में है साधना का, बताएं। एक लड़की है, तीनों लोग बच्चे करते हैं। हां अच्छा भाई सर, टाइम से सब निपट जाए, बहुत बड़ी। सब अपने अपने आधे कितने गंदे थे। तो यहाँ पे आफ्टर डिलीवरी मनीषा को थोड़ा सा चाय पीने को दिया एंड उसको ना इतनी जम के नींद आ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि सारी लेडीज़ को ना मोस्टली नींद आती है डिलीवरी के बाद, क्योंकि ना सोने को नहीं मिलता है, बच्चा इतना ज़्यादा मूवमेंट करता है ना, इसलिए उसको बहुत नींद आ रही थी। एंड लेबर रूम के बाद उसको अभी लेके जा रहे थे दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पर हमने रूम बुक कर रखा था, एंड उसके बाद वहाँ पर शिफ्ट करेंगे और वहीं पर वो आराम से रेस्ट करेगी। सो अभी उसने भी अच्छे से बेबी को नहीं देखा है एंड बेबी को पहले ही रूम में लेके जा चुके हैं और यहाँ पे उसको स्पून से थोड़ा सा दूध पिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो नर्स पिला रही थी एंड मनीषा को यहाँ पे बेड पे लिटा देंगे। कंधे पे ऐसे सर पकड़ के शायद गरम है, मैंने पहले बोला बहुत तेज गरम है वो। देखना है ऐसे कैसे दिख रहा है। मैंने
छोटा है नहीं वो लग रहा है बराबर है बच्चे को देखने के बाद सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि बच्चा किस पे गया है। तो हमारे घर के दोनों मतलब रुद्रांश और ये दोनों मिला के मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल अपने दादू की ही कॉपी है। तो ये भी देखो अपने दादू के जैसा लग रहा है। सो अभी तो रुद्रांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है छोटा बेबी से मिलने के लिए। उसका फ़ोन आया था, मम्मा छोटा बेबी आ गया है। तो हाँ मैंने बोला आ गया है, तो वो भी कल आएगा मिलने के लिए। बीच में क्या लिखा है बैग पे? क्या है ये? दाल है। ये मनीषा का स्पेशल फूड मम्मी बना के लेके आई है अभी घर से हरीदा। इसमें ड्राई फ्रूट्स और लौंग, क्या क्या डाला मम्मी? लौंग है ना, ड्राई फ्रूट्स लौंग ही क्या हुआ। सो आज के बाद आज से ये वाला खाना खाएगी कुछ दिनों तक। ये देखो मेरे बच्चे को ये देखो मेरे बच्चे को कितनी भूखी लगी। अभी भूखू पिया फिर भूखी लगाई। बुबू पीना है या गोदी आना है? देखो जरा देखो इसको देखो 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 हाथ खाना है देखो। मम्मी देखो इस साइड आराम कर रही है, मैं इधर लेटी हूँ और हमारा छोटा बच्चा इस साइड लेटा हुआ है। वो भी आराम कर रहा है। बांध रहे उसको दो दर्जन लोवान। अभी इतनी गुस्सा आ रही थी ना मेरे को, तीन बार ऐसे 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 पैर करके ऐसे छलांग मार के बाहर निकलना है। मम्मी अभी घर गई थी और मनीषा को जो भी खाने का रहता है ना उसको थोड़ा सा अलग दिया जाता है, लड्डू वगैरह ये सारी चीज़ें दलिया। तो मम्मी घर गई थी, बना के लेकर आई एंड खाना भी लेकर आई। और बस यहाँ पे बच्चे के लिए मॉस्किटो नेट खरीद के लेके आए क्योंकि थोड़े बहुत मॉस्किटो दिख रहे थे। एंड उसके बाद बस इस मॉस्किटो नेट में उसको लिटा दिया। अब आराम से लेटेगा यहाँ पर सोएगा। एंड मनीषा भी लेट गई है और बस अभी हम लोग निकलेंगे घर के लिए। और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी पूरी तरीके से थक गई हैं और यहाँ पर रूम की चल रही है सफाई। फाइनली हम लोग सुबह से यहाँ हैं और बेबी हो गया है, अब टाइम हो रहा है रात का। और पता है यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, मिस्टर की तो तबीयत ही ख़राब हो गई क्योंकि सर्दी हो गई है इनको और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बारिश वारिश हो गई, आंधी तूफान सब कुछ हो गया है। और अभी हम मम्मी एंड बच्चे के पापा मम्मी दोनों को तीनों को छोड़ के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे रात रुकेंगे। तो गाइस सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई, माँ एंड बच्चा दोनों बहुत अच्छे हैं। और बस वो अभी खाना खिला दिया उसको, दलिया वगैरह एंड लड्डू और जो भी हमारे यहाँ हरीरा वगैरह देते हैं वो सब खिला दिया है। तो वो खा के सोएगी एंड बच्चे को भी मैं दूध पिला के आई हूँ, अब वो भी सोएगा। अभी हम लोग घर के लिए निकलते हैं क्योंकि घर पे भी बच्चे वेट कर रहे हैं, रुद्रांश वेट कर रहा है क्योंकि वो सुबह से ही, अब पहले तो वो हॉस्पिटल आने की जिद कर रहा था कि मैं चलूँगा, फिर लेके नहीं आया उसको, अब वो वेट कर रहा है। तो हम लोग अब घर के लिए निकलते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पर, आंधी तूफान एंड बारिश हो रही है। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। इनकी तबीयत देखो कैसी हुई, नाक बहरी। चलो और कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। अरे यार सीट गीली हो गई है लेकिन ले भाई, मैं चलने से पहुँची एंड कल छुट्टी होगी तो कल का देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, ब्लॉग में बने रहिए।